नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटो टीच में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास 2016 के i10 हुंडई की गाड़ी आई थी, तो उसके अंदर मैंने जब भी गाड़ी चेक किया था तो उसके ECM के अंदर पानी गया था, तो मैंने दूसरा सेकेंड ECM लाया और ECM मैंने चेंज किया। तो उसके लिए मेरे को चेंज करने के टाइम पे मेरे को उसके अंदर जब भी मैं ECM न्यूट्रल करने को गया तो उसके अंदर मेरे को 6 डिजिट का पिन कोड इनपुट करने के लिए बोला। तो 6 डिजिट का पिन कोड कैसे अपन इनपुट कर सकते हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों ये 2016 का गाड़ी का i10 का ECM है, ये उसका स्मार्टर है और ये इसका की बैरल है। तो दोस्तों आपको पता है कि हुंडई का गाड़ी का ECM चेंज करने का है या स्मार्टर चेंज करने का है या फिर की टीचिंग करने का है, तो उसके लिए ECM न्यूट्रल करने का है तो उसके लिए 6 डिजिट का पिन कोड लगता है। और वो पिन कोड लेने के लिए पहली जब भी इसके पहले भी बहुत बार काम किया था तो मेरे को बहुत टाइम गया था उसके अंदर, 1-2-3 दिन भी जाते थे एक वो काम करने के लिए। लेकिन दोस्तों अभी ऐसा है कि अभी वो काम आप 10 मिनट के अंदर कर सकते, तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि वो 6 डिजिट का पिन आप कैसा जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों ये है लॉन्च का X431 प्रो लॉन्च का स्कैनर है, इसके अंदर ये फीचर्स आया है तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसा है। दोस्तों इसमें ये अभी जो दिख रहा है आपको, इसमें अमेरिकन है, ये यूरोप है, ये एशियन है और ये चाइनीज़ है और ये रीसेट ऑप्शन है। तो दोस्तों अपने को इसके अंदर जो 6 डिजिट का पिन कोड है वो रीड करने के लिए अपने को ईमो में जाने का है। ईमो में जाने के बाद उसको ओके करने का है। ओके करने के बाद दोस्तों अभी हुंडई का गाड़ी है और ये अपन ईमो में गए, उसके बाद ओके किया। ओके करने के बाद आप किया ऑप्शन में जाओ, उसमें लिस्ट खुलेगी मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, जैगवार, पोर्शे, तो उसमें जैसा हुंडई और किया रहेगा तो किया ऑप्शन में जाओ। किया ऑप्शन में जाके जैसा भी किया को अपन ओके करेंगे, क्लिक करेंगे तो उसमें दो ऑप्शन खुलेंगे। दो ऑप्शन में एक उसमें से एक ऑप्शन रहेगा पासवर्ड रीडिंग, तो पासवर्ड रीडिंग में जाके उसका उधर आपको उसको ओके करने का है। ओके करने के बाद में विद इन 20 सेकेंड वो लॉन्च में वो फीचर्स दिया है कि वो खुद वो 6 डिजिट का पिन कोड है वो रीड कर लेगा। और उसको रीड करने के बाद आपका उसको स्क्रीनशॉट मारो, जो मैंने खुद ये i10 में मैंने खुद किया था, और उसका स्क्रीनशॉट मार के बैक आओ। और बैक आने के बाद में हुंडई में जाके जो गाड़ी रहेगा आपका वो गाड़ी में जाके
जैसे भी अपने को आपको ECM चेंज करने का है तो ECM में आप ECM में जैसे भी जाएंगे तो ECM न्यूट्रल करने के लिए आपको जैसे भी न्यूट्रल ऑप्शन में जाएंगे करने को जाएंगे तो उसमें आपका वो 6 डिजिट का पिन कोड मांगेगा, वो जो वहाँ से रीड किया है उसको वहाँ पे जैसा भी न्यूट्रल करने के लिए 6 डिजिट का पिन मांगेगा वहाँ पे राइट कर दो और वो जो प्रोसेस के हिसाब से आप राइट करो तो बाकी का तो आपको खुद ही वैसे ही स्क्रीन के ऊपर पता चलेगा और जो कोड मिलने के बाद आपका कोडिंग सक्सेस हो जाएगा और आपका गाड़ी चालू हो जाएगा। तो जो 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 मैंने किया था वो मैंने बताया। तो दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो अच्छा लगेगा रहेगा तो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।